हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज कॉर्नर। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वेज पुलाव की रेसिपी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इससे आने वाली हर नई रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कप राइस को पानी में भिगो के रखा था। ये राइस को मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगोया है। इसमें इस्तेमाल करूँगी टमाटर, प्याज स्लाइस करके रखे हैं मैंने, गरम मसाले की पाउडर, ये ऑप्शनल है, गाजर, फ्रेंच बीन्स, मटर, फूलगोभी, आलू, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट, दही, काली मिर्च का पाउडर, नमक और कुछ खड़े मसाले जिनमें मैंने लिए हैं दालचीनी, जावित्री, इलायची और लौंग। इसमें इस्तेमाल करूंगी तेल और घी। इन सारी चीज़ों की मदद से हम बनाएंगे हमारा वेज पुलाव, जो कि बहुत ही जल्द बन जाएगा हमारे प्रेशर कुकर में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। प्रेशर कुकर रख दिया है मैंने गैस पे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तेल 2 टेबलस्पून और साथ ही ऐड कर दूंगी घी 1.5 टेबलस्पून। घी से हमारे पुलाव का टेस्ट जो है वो बहुत ही टेस्टी आ जाएगा और बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है घी का। इसमें ऐड कर देंगे अब हमारे खड़े मसाले, जिनमें मैंने लिया है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 इलायची, 2 से 3 लौंग और थोड़ी सी जावित्री। जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएंगे हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी प्याज को। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज ली थी जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। अब प्याज को खड़े मसालों के साथ हमने अच्छा सा भून लेना है। प्याज को हमने तब तक भूनना है जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो प्याज को सॉफ्ट होने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं और 3 से 4 मिनट बाद जब हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे आलू को। यहाँ मैंने 3 छोटे आलू लिए थे जिन्हें मैंने कट कर लिया है। अब प्याज और आलू को अच्छा सा भून लेंगे। जब प्याज आधी हो जाए तभी हमने आलू ऐड करने हैं और उसको प्याज और आलू को साथ में भुनना है, क्योंकि आलू जो है वो काफ़ी टाइम लेता है पकने के लिए। और इसी तरह हमने अभी इसे 3 से 4 मिनट भून लिया है और इसमें ऐड कर देंगे हमारे मटर को। यहाँ मैंने फ्रेश मटर इस्तेमाल किए हैं जो कि टाइम लेते हैं कुक होने में, तो उन्हें भी मैं जल्द ही ऐड कर दूंगी। अगर आप फ्रोज़न इस्तेमाल करें तो सब्जियों के साथ ही उसे ऐड करें। अब इसको अच्छा सा भून लेंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए और 3 से 4 मिनट बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और इसी के साथ साथ हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून। मैं तीखी हरी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। अगर आपकी कम तीखी हो तो थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। अब इनको सबको अच्छा सा मिक्स कर देंगे हम और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। प्रेशर कुकर में पुलाव जो है वो बहुत ही जल्द तैयार हो जाता है और बढ़िया सा तैयार होता है। अब इसमें ऐड कर देंगे फूलगोभी को 1 कटोरी, गाजर 1 कटोरी और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें टमाटर 1 मीडियम साइज़ का जिसे मैंने स्लाइस कर लिया था। अब इसी में डाल दूंगी मैं फ्रेंच बीन्स को। अब इनको अच्छा सा भून लेंगे। अगर आप फ्रोज़न मटर इस्तेमाल कर रहे हो तो उन्हें इस वक्त ऐड कीजिएगा, अगर आप फ्रेश मटर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप पहले उसे ऐड कीजिएगा। अब इनको अच्छा सा भून लेते हैं हम 3 से 4 मिनट तक और इसमें ऐड कर देंगे नमक को, ये 1.5 टेबलस्पून था, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, दही 3 टेबलस्पून। अब इनको अच्छा सा भून लेंगे हम। मैंने यहाँ दही का इस्तेमाल ज़्यादा किया है 3 टेबलस्पून और टमाटर का इस्तेमाल कम किया है, क्योंकि ये वेज पुलाव है जो कि मैंने वाइट बनाया है। अगर टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते तो लाल पड़ जाता। अब इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। यहाँ हमने 2 कप चावल लिए थे जिन्हें मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। अब चावल को सारी सब्जियों के साथ हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेना है। प्रेशर कुकर में जब भी आप चावल बनाओ तो उसे पहले आप अच्छा सा भिगा लो 1/2 घंटे के लिए, तो ये काफ़ी खिले खिले बनेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 1 से 1.5 ग्लास जितना पानी इस्तेमाल किया है।
आप भी पानी चेक करके डालिए, क्योंकि जब चावल को आप भिगो लेते हो तो उसे उसमें थोड़ा पानी कम लगता है। आप इस वक्त इसमें नमक चेक कीजिए, अगर आपको कम लगे तो ऐड कीजिए। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है, तो मैं इसकी लीड लगा लूँगी अब, और इसको एक सीटी आने तक हम पका लेंगे। 10 से 12 मिनट बाद जब इसकी सीटी लगना शुरू हो जाएगी तो मैं थोड़ा सा फ्लेम को कम कर दूंगी। इसे हमने मीडियम टू हाई हीट पे रखना है। ये देखिए सीटी आना शुरू हो गई है, और एक सीटी के बाद हम इसका गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर का लीड खोल देंगे, और ये अपने आप ठंडा होने के बाद खुल जाती है। तो मैंने इसका लॉक खोल दिया है और ये ठंडा होने के बाद खुल जाएगी। तो एक 10 मिनट के बाद हमारा प्रेशर कुकर के लीड खुल जाएगी। ये देखिए ये खुल गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने खिले खिले हमारे राइस तैयार हुए हैं। हमने इसको एक से बार अच्छे सा मिक्स कर लेना है, और अब इसे एक सर्विंग प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। प्रेशर कुकर में बहुत ही जल्द से पुलाव तैयार हो जाता है, और बच्चों को बहुत पसंद आता है ये वेजिटेबल पुलाव, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं हम। इसको मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़ी सी प्याज और टमाटर के साथ, दोनों भी मैंने स्लाइस करके लिए हैं। इसे आप झटपट वेजिटेबल पुलाव भी कह सकते हो, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में तैयार हो जाता है। इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी थोड़ा सा फ्राइड अनियंस भी, क्योंकि वेजिटेबल पुलाव पे फ्राइड अनियंस बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये तैयार हो गया हमारा पुलाव। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और दोबारा मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। टेक केयर, बाय बाय।